एकलव्य स्टडी पॉइंट में आपका स्वागत है। मेरा नाम सत्येंद्र प्रताप है और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे क्लास 12th का चैप्टर 9th है, लास्ट वन और लास्ट चैप्टर है ये आखिरी, तो इसका पार्ट 3rd है ये। हालांकि इसमें भी थोड़ा सा बच गया है तो नेक्स्ट पार्ट में मैं पूरा कर दूंगा। इससे पहले मैं लगातार 2 वीडियो बना चुका हूँ, कम से कम 1 घंटे से लैपटॉप के सामने बैठा हुआ हूँ, तो बहुत ज़्यादा आलस आ रहा है और मुझे नींद भी आ रही है। कोशिश करूँगा मैं जल्दी से जल्दी आपको ये टॉपिक करवा दूँ, ठीक है। साहबानों केस मैंने लास्ट वीडियो में पढ़ दिया था, आपको बता दिया था, तो मैं दोबारा से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। हालांकि मैं करता नहीं हूँ बार बार रिवाइज, लेकिन मैं इस टॉपिक को बता देता हूँ। साहबानों की आती एक 62 वर्ष की मुस्लिम महिला थी जिसके साथ तलाक हो गया था। उसके पति ने उसे तलाक दे दिया गया था, तो उसके खिलाफ वो चली गई थी कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में। उसने बोला कि मुझे गुजारा भत्ता चाहिए, गुजारा भत्ते की मांग करी। तो सुप्रीम कोर्ट ने उस महिला के पक्ष में फैसला सुनाया जिसे मुस्लिम जो पुरातनपंथी मुस्लिम थे, जो कट्टर मुल्लाओं जो होते हैं, उन्होंने क्या करा, उसका विरोध करा, उसको गलत बताया। उन्होंने कहा कि हमारे पर्सनल लॉ जो है, पर्सनल मुस्लिम लॉ जो है, उसमें हस्तक्षेप है। तो सरकार पे दबाव बना भाई राजीव गांधी की सरकार ने, तो राजीव गांधी की सरकार ने दबाव में क्या करा, एक कानून पास किया और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को निरस्त कर दिया। हालांकि इसका विरोध हुआ बहुत ज़्यादा, मुस्लिम संगठनों, महिला संगठनों द्वारा, महिला संगठन और मानवाधिकार और जो बुद्धिजीवी थे इन सब के द्वारा, ठीक है। बीजेपी ने भी इसकी आलोचना करी थी। ये सारी चीज़ मैं पिछले में पढ़ा चुका हूँ, तो इसलिए मैंने आपको जल्दी जल्दी पढ़ के बताया। टॉपिक शुरू होता है हमारा यहाँ से, विवाद, फैजा अयोध्या विवाद, ठीक है। जो बीजेपी है उसकी हिंदूवादी छवि बन चुकी थी। क्यों बन चुकी थी? 2 कारण थे। पहला कारण था ये साहबानों वाला मामला था। कांग्रेस ने ऐसा ऐसा करा, ऐसे टाइम पे बीजेपी ने क्या करा, इसका बहुत बड़े लेवल पे विरोध करा, यानी कि उसने कहीं ना कहीं अपने आप को हिंदीवादी छवि बनाने में सफलता पाई। दूसरा था अयोध्या विवाद, ये तो पूरा पूरा बीजेपी और उसके अराउंड था। तो देखते हैं कैसे। फैजाबाद अदालत ने क्या करा, फेब 1986 यानी फरवरी 1986 में फैसला सुनाया था कि बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खोल दिया जाए ताकि हिंदू वहाँ पे पूजा कर सके। बाबरी मस्जिद जो है 1940-42 के दशक से ही क्या था, एक विवादित मुद्दा था, और उस पर ताला वाला इसीलिए लगाया गया था क्योंकि ये हिंदू मुस्लिम इस पर लड़ रहे थे। बाबरी मस्जिद विवाद पुराना था। इसका जो निर्माण हुआ है ये देखें तो बाबर के टाइम पर हुआ था इसका निर्माण, और उसका जो सिप सलाहकार था यानी उसका जो चेला था बाबर का, मीर बाकी, उसने करवाया था। तो हिंदू लोग हैं वो ऐसा मानते थे कि पहले ना इस जगह पे राम मंदिर होता था, यानी राम भगवान का मंदिर था, और उसको तोड़कर बाबरी मस्जिद बनाई गई थी उस जगह पर, तो यह मस्जिद बनाई गई थी ऐसा मानते थे। तो बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला तो दोनों पक्षों में लामबंदी होने लगी। लामबंदी भाई, लामबंदी में एक बच्चे ने, पता नहीं कितनी कितनी बातें हो गई मेरी व्हाट्सएप ग्रुप पे उस बच्चे से, लामबंदी का उसने भाई बहुत अच्छा मतलब बताया। उसका मतलब सही था, लामबंदी का मतलब होता है दोस्तों अपनी तरफ इकट्ठा करना, ठीक है। और इसका मतलब उसने बताया था कि लामबंदी का मतलब है टू गेट रेडी टू फाइट। तो उसका जो जवाब था भाई बिल्कुल सही था, मैंने ये नहीं कहा कि उसका जवाब गलत है, मैंने उसे बताया कि भाई मेरा जवाब ये है, उसका मतलब ये भी होता है, क्योंकि एक वर्ड जो होता है, कोई भी शब्द होता है उसका ना अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उसका जो मीनिंग होता है वो चेंज भी हो सकता है। लेकिन इतनी नॉलेज उस बच्चे को शायद नहीं थी और वो बार बार चैलेंज सा करने लगा, तो कुछ ऐसी बात हो गई थी। तो मैं उस, हो सकता है वो बच्चा वीडियो देख रहा हो, तो मैं उसे फिर से बताना चाहता हूँ दोस्त कि लामबंदी का जो मतलब है वो यहाँ से देख ले। बाबरी मस्जिद के अहाते का ताला खुला तो दोनों पक्षों ने लामबंदी होने लगी, यानी हिंदुओं में मुस्लिमों में। कैसे? हिंदू जो लोग थे उन्होंने हिंदुओं को लामबंद करने शुरू कर दिया कि आओ इकट्ठे हो जाओ, साथ हो जाओ, हिंदू वो अपनी हक के लिए लड़ना है, वो राम मंदिर के पीछे लगे हुए थे, दूसरी तरफ मुस्लिम जो थे वो आपस में लामबंद होने लगे। इसके बाद क्या हुआ कि बीजेपी ने इसे चुनावी और राजनीतिक मुद्दा बना दिया। बीजेपी को ऐसे ही मौके चाहिए थे, और आरएसएस और वीएचपी, आरएसएस जो है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और वीएचपी जो है विश्व हिंदू परिषद, इसमें अग्रणी रहे, सबसे आगे रहे, और भाजपा के साथ थे ये, बीजेपी के साथ थे। तो उन लोगों ने क्या करा, समर्थन जुटाने के लिए गुजरात से सोमनाथ मंदिर से, और सोमनाथ मंदिर बोलूँ सॉरी सोमनाथ जगह से यूपी के अयोध्या तक, उत्तर प्रदेश के अयोध्या तक रथ यात्रा निकाली। उसी रथ यात्रा में उन्होंने आह्वान किया लाखों हजारों लोगों से कि आओ राम मंदिर के लिए चलना है, राम मंदिर बनाना है। तो इस तरीके से क्या हुआ, उस टाइम पे हजारों लोग उसमें शामिल हुए थे, लाखों शामिल हुए थे, हजारों लाखों जो भी हैं। और मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ, अगर आप सच में ज़्यादा नॉलेज लेना चाहते हो, आप इंटरेस्टेड हो
इन चीज़ों को पढ़ने में, समझने में डीप नॉलेज चाहते हो बहुत, तो आप क्या कर सकते हो, इस टॉपिक को अगर आप समझना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे जाएं। यूट्यूब पे आपको लिखना है प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज, आपको लिखना है प्रधानमंत्री एबीपी न्यूज बाबरी मस्जिद, तो क्लिक कर देना, खुल जाएगा प्रधानमंत्री जो एबीपी न्यूज पे सीरीज आती थी, देख लेना उसका एपिसोड नंबर, मुझे देखना पड़ेगा, मैंने खुद ही नहीं देखा है, काफी टाइम पहले देखा था, 13, 14, 15 कोई सा भी एपिसोड हो सकता है, मुझे ध्यान नहीं है, तो आपको बाबरी मस्जिद वाला पूरा एपिसोड मिलेगा, तो उसमें आपको पूरी कहानी पता लगेगी कि ये मुद्दा क्या है, जो हम बुक में पढ़ रहे हैं ना एनसीईआरटी में, ये पूरा सच नहीं है, इसमें काफी कम बताया गया है, इस ये जो मुद्दा था ये बहुत बड़ा मुद्दा था। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा एनसीईआरटी में गलत बताया है, एनसीईआरटी में उतनी डिटेल में नहीं बताया है जितना आपको उस वीडियो में मिलेगा, उस वीडियो में बहुत अच्छे से बताएंगे, तो आप उसे देख के अच्छे से ज्यादा समझ पाओगे, नॉलेज आपको ज्यादा हो जाएगी, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, मस्जिद मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो टू द पॉइंट है हमारी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग है, क्योंकि मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताना चाह रहा हूँ, टाइम वैसे भी बहुत ज्यादा लग जाता है इन सब चीजों को बताने में। रथ यात्रा निकाल दी, हजारों लोग शामिल हो गए उसमें, मस्जिद का विध्वंस कि मस्जिद कैसे तोड़ दी गई ये देखते हैं। जो संगठन राम मंदिर के निर्माण का समर्थन कर रहे थे, उन्होंने 1992 के दिसंबर में एक कार सेवा का आयोजन करा। कार सेवा में क्या था भाई, कार सेवक लोग थे और वो राम भक्त थे, और उन राम राम के नाम पे उन्होंने लोगों को अपने समर्थन में लामबंद करना शुरू कर दिया था। राम भक्तों से कहा कि वह राम मंदिर के लिए श्रमदान करें। श्रमदान जानते हो आप, मेहनत वगैरह करी कराई जाती है। आपने देखा होगा कि अक्सर क्या होता है, मंदिर वगैरह का निर्माण होता है तो वहाँ पे बहुत अमीर अमीर लोग जाते हैं, वहाँ पे मजदूरी करते हैं, मजदूरी करते हैं, तसले फावड़े उठाना, कोई सामान गिराना, ये वो करना, ये होता है श्रमदान, यानी अपना अपनी मेहनत दान कर रहे हैं और मंदिर को निर्माण के लिए, ये एक भक्ति का भी एक तरीका है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, राज्य सरकार को आदेश दिया कि विवादित ढांचा जो है उसकी रक्षा करें। राज्य में थी बीजेपी की सरकार, ये भी ध्यान रखना। 6 दिसंबर 1992 को क्या हुआ, लोगों ने मस्जिद को गिरा दिया। अब समस्या ये आई कि सुप्रीम कोर्ट ने तो ये कहा था कि भाई इसकी रक्षा करें, और लेकिन राज्य सरकार के होते हुए भी क्या हुआ, मस्जिद को गिरा दिया गया। तो इसके बाद देश में कई जगह हिंदू मुस्लिमों के बीच में झड़प हो गई। जैसे ही ये बात फैली कि हिंदुओं ने मस्जिद को गिरा दिया है, तो जाहिर सी बात है कि जो मुस्लिम लोग रहे होंगे उनको धार्मिक भावनाओं को चोट पहुंची होगी, उन्होंने इसका विरोध किया होगा, और ऐसे में हिंदू मुस्लिम के बीच में लड़ाई हुई होगी। तो 1993 के जनवरी के में मुंबई में भी ऐसी लड़ाई झगड़े हुई थी, झड़प हुए थे। इस घटना के बाद क्या हुआ, केंद्र में उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार को बर्खास्त कर दिया गया, और देश में अलग किसी और राज्य में भी अगर बीजेपी की सरकार थी तो उसको भी गिरा दिया गया, वहाँ पे राष्ट्रपति शासन वगैरह लागू कर दिया गया या उसको रोक दिया गया जो भी है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी के सीएम, जो भी वहाँ के सीएम थे, उन पर अवमानना का मुकदमा चलाया। क्यों, क्योंकि उन्होंने हलफनामा दे रखा था, एफिडेविट दे रखा था, शपथ पत्र दे रखा था कि इस बाबरी मस्जिद की विवादित ढांचे की रक्षा की जाएगी हमारे द्वारा और हम उसकी रक्षा करेंगे पूरी तरीके से। लेकिन क्या हुआ, फिर भी सरकार उसकी रक्षा नहीं कर पाई, तो उस पर अवमानना का मुकदमा तो चलना ही था। भाजपा ने इस घटना पर अफसोस जताया, देश के बाकी राज्यों में भी इसकी कड़ी निंदा की गई और बाकी पार्टियों ने भी निंदा करी। केंद्र सरकार ने इसकी जांच के लिए आयोग बना दिया। ठीक है, इसके बाद देखते हैं आगे मेन क्या है। गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे, ये थोड़ा सा कट गया है आप समझ जाना, गुजरात में मुस्लिम विरोधी दंगे क्या हुआ, 2002 में फरवरी मार्च में गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ बड़े पैमाने पे हिंसा हुई। क्यों हुई गुजरात में मुसलमानों के खिलाफ हिंसा, इसलिए हुई क्योंकि गोधरा स्टेशन जो था रेलवे स्टेशन, वहां पे अयोध्या से एक ट्रेन आ रही थी और उस ट्रेन में कार सेवक लोग यानी राम भक्त लोग बैठे हुए थे। एक डिब्बे में 57 लोग मारे गए। क्यों, कैसे मारे गए, उस डिब्बे में आग लग गई और शक ऐसा किया गया, ऐसा संदेह हुआ कि बोगी में जो आग लगाई गई है वो मुसलमानों ने लगाई है। ऐसा माना गया कि आग किसने लगाई है, मुसलमानों ने लगाई है। तो अगले ही दिन ये बात फैल गई बिल्कुल आग की तरह कि भाई मुसलमानों ने हिंदुओं को जला दिया, ऐसे ऐसी बातें चल गई। तो गुजरात में ये जब बात फैली तो मुसलमानों के खिलाफ हिंसा हो गई और हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे, मुसलमानों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और 1 महीने तक ये लड़ाई चली, चलता रहा लड़ाई झगड़ा एक दूसरे के साथ। 1100 व्यक्ति मारे गए ऐसा अंदाजा है, ठीक है कम ज़्यादा भी हो सकते हैं, 1100 मारे गए लगभग। मानवाधिकार आयोग ने क्या करा, गुजरात सरकार की आलोचना करी। उन्होंने बोला कि भाई ये एक ऐसी सरकार है जो 30 दिन तक ऐसा होता रहा, महीने भर ऐसा होता रहा, लेकिन सरकार उस पर लगाम नहीं लगा सकी, लोगों की जान नहीं बचा सकी। तो मानवाधिकार आयोग ने इसकी बहुत ज़्यादा आलोचना करी। अब आते हैं एक नई सहमति पर, नई सहमति देखते हैं क्या है इसमें। 1989 के बाद की अवधि को कांग्रेस का पतन यानी कांग्रेस का पतन और बीजेपी के अभ्युदय
की अवधि कहा जाता है। यानी इस टाइम पे क्या हुआ था, कांग्रेस तो डूब रही थी धीरे धीरे, लेकिन बीजेपी उभर रही थी। तो इसका मैं आपको फिगर दिखाता हूँ, यहाँ देखो, यहाँ देखो आप ध्यान से, आपकी बुक से लिया है मैंने ये। इसमें 1984 में देखो बीजेपी 2 पे है, बहुत नीचे है, और कांग्रेस 415 पे है। ये वही राजीव गांधी वाला टाइम है जब इंदिरा की मौत हुई थी। उसके बाद क्या हुआ, 89 में देखो बीजेपी का ग्राफ धीरे से कितने ज़्यादा ऊपर आ गया 85 पे, और कांग्रेस का जो था 415 से कितना नीचे आ गया 197 पे। लेकिन तीसरे में देखो वो 1991 में, यहाँ पे जो है बीजेपी का ग्राफ 221 और 244 उसका हो गया, यानी 221 244, 221 244, इतना ज़्यादा डिफरेंस आ चुका है इनके बीच में। तो यहाँ पे एक चीज़ हमें दिख रही है दोस्तों, क्लियर दिख रही है कि बीजेपी ने क्या करा है, बहुत ज़्यादा सुधार कर लिया है अपने अंदर, और कांग्रेस जो है वो धीरे धीरे कहीं ना कहीं ऊपर से नीचे की ओर आ रही है। यहाँ पे देखेंगे 1996 में ये क्या हुआ, बीजेपी एक बड़ी पार्टी बन गई और कांग्रेस क्या हो गई, और ज़्यादा नीचे लेवल पे आ गई। 140 सीटें, तो भाई बहुत कम सीटें हैं, ऐसा तो कभी भी कांग्रेस के साथ नहीं होता था, ठीक है। इसीलिए हम कहते हैं कि 1989 के बाद गठबंधन का युग चला, उसके बाद कोई भी पार्टी ऐसी नहीं थी जिसकी सरकार बने। अगर हम इन दोनों की जोड़ भी दें तो भी मतलब लोकसभा की आधी सीटों के बराबर नहीं बनती थी, ऐसा ऐसा भी हुआ है टाइम। 1998 में आते हैं तो 182 बीजेपी फिर से बड़ी पार्टी, और 141 कांग्रेस और वापस निचले स्तर पे। फिर 99 में देखें, 1999 में तो 182 कांग्रेस फिर से नीचे। 2004 में देखें तो 2004 में कांग्रेस की स्थिति थोड़ी सी सुधर गई बीजेपी के मुकाबले, हालांकि बात बिल्कुल कांटे की टक्कर है यहाँ पे भी। 138 145 में ज़्यादा अंतर नहीं होता, बहुत कम अंतर है, क्योंकि कांग्रेस एक ऐसी पार्टी थी जो देश में बहुत ज़्यादा सीट लाती थी, बीजेपी एक ऐसी पार्टी थी जिसने अपना स्तर ये 1989 से सुधारा है। 89 से 2004 के बीच में बीजेपी ने अपना लेवल बहुत ज़्यादा सुधार लिया, ठीक है। तो इस टाइम पे क्या है, माहौल ऐसा हो रहा है किसी देश में किसी भी पार्टी की सरकार अपने दम पे बनी नहीं थी, सबकी सरकार बन रही तो सिर्फ गठबंधन से। अब आते हैं अपने दोबारा उसी टॉपिक पे, यहाँ पे थे हम कि 1989 के बाद की अवधि को क्या हुआ, कांग्रेस के पतन और बीजेपी के अभ्युदय की अवधि कहा जाता है, क्योंकि भाजपा ने 1989 के बाद अपनी स्थिति मजबूत कर ली। 1991 दिखाया मैंने आपको अभी, उसमें 1996, 1998, 1999, 2004, इसमें बीजेपी में इस टाइम पे क्या हुआ, बीजेपी एक मजबूत और बड़ी पार्टी बनकर उभरी। अब आते हैं 2004 के लोकसभा चुनाव में, वापस कांग्रेस किस तरीके से आई। 2004 में क्या हुआ, कांग्रेस गठबंधन में शामिल हुई, एनडीए जो राजग है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जिसको मैं राजग बोलता हूँ, राजग का मैंने आपको पूरा नाम बताया था, और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन, ठीक है, वो खुद भूल जाता हूँ मैं इसका नाम, कई बार इंग्लिश में तो याद रहता है, हिंदी में थोड़ा याद करवाना मुश्किल हो जाता है। तो क्या हुआ था, एनडीए जो थी वो हार चुकी थी, और यूपीए जो है संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन, ठीक है, ये जो सपरंग थी ये जीत गई। सपरंग जो है ये किसके, कांग्रेस के समर्थन वाली है ये सपरंग, ध्यान रखना, सपरंग कांग्रेस के समर्थन वाली। 2004 में क्या हुआ, सपरंग को कांग्रेस ने समर्थन किया और वाम मोर्चा ने भी इसका समर्थन कर दिया, और 2004 के चुनाव में कांग्रेस दोबारा अपनी स्थिति सुधार पाई। यानी जो 1989 से लेकर 2004 तक कांग्रेस की बुरी हालत हो रही थी, कहीं ना कहीं 2004 में उसने अपनी स्थिति थोड़ी सी सुधार ली। हालांकि दोनों के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में वोटों का कोई बहुत ज़्यादा फासला नहीं है, बहुत आसपास ही हैं दोनों, लेकिन फिर भी असर तो पड़ा ही। तो आगे मैं ये फिगर आपको दिखा चुका हूँ, यहाँ से हमने ये इसका थर्ड पार्ट कवर किया है। उम्मीद करता हूँ कि जितना भी मैंने आपको समझाया होगा आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर कोई कमी रह जाती है तो वीडियो को दोबारा देख सकते हैं दोस्तों, और अगर आपको कोई कमी लगती है तो आप एनसीईआरटी को दोबारा से पढ़ सकते हैं, तो वहाँ से आपको कवर हो जाएगा। दोस्तों टाइम बहुत कम बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत में लग जाओ और ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे नंबर ले